वो पीछे हमारे मैडम आप बोलिए ना बहुत अच्छी थी आप क्या क्या पसंद है लोगों को फिल्म क्यों देखनी चाहिए लोगों को क्यों देखनी चाहिए ऐसे ही बोलो कैसी लगी कैसी लगी मतलब हाँ जी बहुत अच्छी लगी मतलब कि इस तरह होया सच्ची गल है इस तरह दिल्ली के बच्चे सिखा नु मारिया गया अग्गा लगिया गई बहुत ही बुरा हाल किया आपको लगा जो फिल्म में दिखाया गया है हाँ वो बिल्कुल सच है लेकिन आज भी जस्टिस नहीं हुआ है उन लोगों आज भी कोई भी फैसला नहीं हुआ नहीं हुआ तो हाँ आपको क्या लगता है सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए हाँ उठाने चाहिए इस तरह सिखा दे विच मारना सिखा नूं कोई फड़ के मार दे कोई इस तरह गलती है बहुत सोहा कैसी सिखनी बनी है मतलब मजा आया सोहा को हाँ जी हम तो सिख है जो फिल्म में जो कहानी बताई गई है वो आपको लगी सच्ची कहानी सच्ची कहानी बहुत अच्छी लगी तजिंदर जी बहुत अच्छी कहानी लगी बहुत दर्दनाक पिक्चर है बहुत अच्छी बनाई पिक्चर बहुत लोगों को फिल्म जाके देखनी चाहिए देखनी चाहिए ना देखनी चाहिए रियल किया ना जो किया रियल किया उन्होंने पर मतलब गलत किया सिखों के ऊपर नहीं करना चाहिए था बहुत जुल्म किया अभी जुल्म जो किया सब देखना पड़ेगा कितना नंबर देना चाहिए पाँच से पाँच ही नंबर देना चाहिए बहुत अच्छी पिक्चर बनाई सच्ची बनाई मैं भी सच्ची पाँच के पाँच ही देने सच्ची पर वही था सिखों के ऊपर जो जुल्म किया इंसाफ बहुत किया हमारे सरदारों के साथ पर ये फोर देखनी चाहिए अभी पिक्चर सब इंसाफ चाहिए अभी तक नहीं हुआ हजे तक इंसाफ नहीं हुआ होना चाहिए गलत है कोई भी सिख नूं फड़ के कल नूं कोई मारूगा इस तरह नहीं कल नूं कोई भी सिख नूं फड़ के मारूगा इस तरह कोई जो कोई हो नहीं सकता सिखी नहीं जा सकती ठीक है फैसला होना चाहिए थैंक यू कुछ बताया नहीं सरदारों के लिए रॉन्ग मैसेज जा रहा है बट देर इज अ रॉन्ग मैसेज इन दैट के सरदारों ने मारा क्यों मारा वो बताया नहीं है ना वो बताने का था ना वो तो बताया नहीं है नहीं मैसेज क्या है रॉन्ग मैसेज तो कितने स्टार देना चाहिए बोल रहे हो ना बैकग्राउंड बताई नहीं कि इंदिरा गांधी क्यों क्यों मारा है आप जस्ट समिंग इट अप इन वन सेंटेंस ओनली वो दिया नहीं है सो इसलिए फिल्म का पूरा मोटिव खत्म हो गया बहुत अच्छी फिल्म थी बहुत अच्छी फिल्म है हर एक को देखनी चाहिए हर एक को ये फिल्म देखने के बाद फैक्ट पता चलेगा कि 84 में वाकई जो राइट्स हुए थे वो कितना लोगों को दर्द देकर गए हैं लेकिन मैं कहा जा रहा है कि फिल्म में मतलब जो एक मैसेज उसका गलत है और बैकड्रॉप उसका गलत है वैसा नहीं दिखाया गया जो एग्जैक्टली बहुत कुछ एक्चुअली इनिशियल रीज़न तो दिया ही नहीं है कि भाई ये क्या जो हुआ तो क्यों हुआ और सिर्फ इसमें बस से बताया कि अगर किसी सरदार भाई ने अगर इंदिरा गांधी को शूट किया है या उसको मारा है तो उसके चलते सरदार भाइयों के विरुद्ध गलत मैसेज जा रहा है जो कि नहीं है फैक्ट तो कितने स्टार देना चाहेंगे मैं तो इसमें पाँच में से पाँच देना चाहूँगी बट स्टिल द फैक्ट इज़ नॉट येट रिवील्ड कि भाई ये दंगा क्यों हुआ या ये हादसा क्यों हुआ वो अगर पता चल जाता शायद लोगों को क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको खैर जो 31 ईयर्स हो गए हैं इस बात को अभी तो उन लोगों को तो कुछ हकीकत पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं स्टोरी सुनते हैं लोगों बड़ों से सुनते हैं और बिलीव करना उनको मुश्किल लगता है जो सोहेब का किरदार था दोनों का किरदार बहुत अच्छा लगा बहुत ही बढ़िया था बहुत अच्छा लगा दोनों का किरदार थैंक यू मैडम अच्छी थी हमें इसका सोहा अली खां का रोल बहुत अच्छा लगा और एकदम दिल को दहकने वाली पिक्चर थी ये हमारे सरदारों के साथ जो भी हो रहा है आज तक हो रहा है सीन्स 84 से बहुत बुरा हो रहा है तो सरदारों ने जितना बड़ा कुर्बानी दी है बलिदान दिया है इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए कितने स्टार देना चाहिए हाँ कितने स्टार देना चाहिए कितना स्टार पिक्चर बहुत अच्छी थी कितने स्टार होते हैं अच्छे से कितना देना चाहिए पाँच में से चार स्टार थैंक यू सो मच और आपको लगता है कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए फिल्म में कुछ एक मैसेज है क्या यार ये फिल्म उनको देखनी चाहिए जिनको इस बारे में पता नहीं मतलब जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर पोस्ट इंदिरा गांधी मर्डर क्या हुआ था जिनको नहीं पता है उनको एक बार देखनी चाहिए और जिनको पता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे रीज़न ये है कि उतना
इफेक्टिव नहीं बना पाए जितना बना सकते थे, जितना कंटेंट था उनके पास बनाने के लिए। कैसी लगी आपको फिल्म? बस यही लगा, बताया है कि जस्टिस नहीं मिला अब तक, ऑलमोस्ट 32 इयर्स नाउ पीपल हु आर डन ऑल दिस, हु हैव अरेंज ऑल दिस, दे आर स्टिल। फिल्म की कहानी आपको लगी कि ये सही कहानी है? हां बिल्कुल सही है जी, इट हैपेंड लाइक दिस। और फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? जी फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? पांच में से कितनी आपको अच्छी लगी? नंबर कितना देना चाहिए? पांच में से पांच। सर कहा जा रहा है कि फिल्म के अंदर सरदारों को थोड़ा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। गलत तरीके से नहीं दिखाया, उनको सही दिया। दे हैव बीन विक्टिम ऑफ दिस राइट्स। ये गलत मैसेज मिल रहा है लोगों का, ये ऐसा भी कह रहे हैं सर इसके बारे में? नहीं, सही मैसेज मिल रहा है कि अब तक इंसाफ नहीं मिला है, जस्टिस मिला नहीं, जस्टिस डिनाइड इज। लगी तो अच्छी लेकिन बहुत बुरा दिखाया, बहुत बुरा दिखाया है एकदम। सबको सरदारों को ऐसे मार रहे हैं, सबकी रक्षा करनी चाहिए, उल्टा सब एक ही हैं लेकिन सबको उन्होंने मारा। और तो आप कहा जा रहा है कि मैसेज सही तरह से नहीं दिखाया गया, फिल्म की कहानी सही तरह से नहीं दिखाई गई, क्या कहना चाहिए? ठीक ही दिखाई है लेकिन जैसा हुआ उस समय 94 में वो सब दिखाए हैं। तो अली खान फिट लगी आपको? हाँ वो फिट लगी, फिट लगी स्टोरी में। पाँच में से कितना नंबर देना चाहिए आप फिल्म को? जो उस समय दंगा हुआ वही सब दिखाए हैं। फिल्म ऐसे बहुत अच्छी है लेकिन इसमें थोड़े से क्या था कि जो जिस चीज़ पे ये पूरा कांड हुआ था, डायरेक्टर को वो कांड को दिखाना चाहिए, जो ब्लू स्टार वाला कांड हुआ था वो उन्होंने नहीं दिखाया। इसमें दिखाने के लिए मतलब इमोशंस भी बहुत हाई होने चाहिए थे, वो चीज़ें नहीं थी। फिल्म तो जो है वो जो ट्रू स्टोरी थी वो की गई है लेकिन बहुत सारी डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वही मैं कह रही हूँ, इसमें दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे अगर डायरेक्टर ने समझा कि ये पूरी ऑडियंस जानती है कि ये 31 इंदिरा गांधी को क्यों मारा गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि जो ब्लू स्टार वाला कांड हुआ था उसकी वजह से मारा गया था। तो ब्लू स्टार वाला कांड अगर दिखा दे तो ये ज़्यादा एग्जीक्यूट हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ था। नहीं, मुझे कास्टिंग में कमी लगी क्योंकि सोहा अली खान बिल्कुल भी सरदारनी नहीं लग रही थी और वीर भी बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, तो इनकी कास्टिंग थोड़ी गलत हो गई है। 5 में से 2.5। आई एम नॉट अ सिख, आई एम अ नॉन सिख एंड आई लव द फिल्म। एवरीबडी शुड वॉच इट। इट्स नॉट अ फिल्म अबाउट अ सरदार और समथिंग। द स्टोरी इज़ वेरी ग्रिपिंग। इट्स अ फिल्म 100 out of 100। ये स्टॉप पे ढारी अच्छा। It's a 100 out of 100 film. Every non-Sikh should also watch it. Every generation should watch it. It's a film for the global audience. Please must go. Okay, kitne star dene chahiye? Huh? Star kitne chahiye? 4 out of 3. Because the story is nice. The acting is very good. It's very gripping. You can't get up from your seat.